वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाएंगे घर में रखे सामानों से बहुत ही शानदार कुल्फ़ी, जो एकदम मार्केट की जैसी लगती है। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 ब्रेड और इसके किनारों को मैंने कट कर लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, बादाम काजू कटे हुए, और 3/4 कप लिया है मैंने शुगर और 1/4 टीस्पून लिया है इलायची पाउडर, और इधर लिया है ग्राइंडिंग जार और उसमें हम डाल देंगे ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स, शुगर और इलायची पाउडर। और साथ में ही डाल देंगे 1/2 कप के जितना दूध और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और इधर मैंने ब्लेंड कर लिया है और इसको एक बाउल में निकाल लिया है। और अभी गैस पे रखा है एक मोटे तले की कढ़ाई और उसमें डाला है 1/2 लीटर दूध और इसको बॉयल कर लिया है। और ये दूध बॉयल हो चुका है, अभी मैंने डाल दिया है वो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर ब्रेड, शुगर और ड्राई फ्रूट्स का, और इसको चला चला करके गाढ़ा करेंगे। इसको लगातार चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। और अभी देखिए इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की हो गई है, बस हमें ऐसा ही चाहिए। ये देखिए तैयार हो चुका है और इसको अभी हम ठंडा कर लेंगे। और अभी ये ठंडा हो चुका है तो इधर मैंने लिया है पेपर ग्लास, आप स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। इसमें अभी डाल देंगे मिक्सचर को आपके पास कुल्फी मोल्ड है तो उसमें बनाएं। ये देखिए और इसको कवर कर दिया है सिल्वर फाइल से। अगर आपके पास सिल्वर फाइल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको दूध की थैली या कोई भी प्लास्टिक है उससे कवर करके रख सकते हैं इसको फ्रिज में। और इसमें हल्के हाथों से लगा दिया है आइसक्रीम का स्टिक, आपके पास नहीं है तो आप नहीं लगाएं। और इसको अभी रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। और अभी ये देखिए 6 से 7 घंटे के बाद ये कुल्फी तैयार है। फाइल हटा देंगे और इसको क्लीन निकालने के लिए मैंने इसको कैंची से कट कर दिया है और इसको निकाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है कुल्फी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता और घर के सामानों से ही तैयार हो जाता है। ब्रेड तो सभी के पास होता है, ब्रेड और दूध, तो एक बार ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है ये कुल्फी, एकदम मार्केट के जैसा। इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे कटे हुए पिस्ता के साथ में। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।